अगर मनोज जी आपने सीएम का वो बयान सुना है जिसमें वो कह रहे हैं साफ तौर पे कि बबुआ इसलिए घबरा रहे थे कि नोटबंदी ना हो, इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे सबसे पहले तो। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को बहुत जिम्मेदारी के साथ और आपके चैनल ने भी सभी ने दिखाया, पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से एक तो कोई लेना देना नहीं, और जिस तरह का बयान योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं उनसे समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से देश में सरकार आई है, एडीआर की रिपोर्ट है कि उनके संपत्ति का जो इजाफा हुआ है वो 52.67% हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के संपत्ति में इतना इजाफा हुआ, इसका हिसाब कौन दे। देश में एक व्यक्ति जब हमारी आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धराशाही हो गई, लोग महंगाई और बेकारी महामारी के बाद रोटी रोटी के लिए गांव देहात में मोहताज है, महंगाई रोज बढ़ाई जा रहा है, जहां बेरोजगारी दर बेतहाशा 45 सालों के सबसे शीर्ष पर है, महंगाई रोज बढ़ाई जा रही है, आप थोक महंगाई का दर देखें तो 12 समथिंग हो गई, उस दौर में कड़ी पार देश के गृह मंत्री के सुपुत्र की संपत्ति जैसा की 16,000 गुना बढ़ती, तो उनके घर पर छापे भी पड़ने चाहिए, और जो इस तरह के लोग हैं, और ये जो पीयूष जैन है, आपके मंच के माध्यम से मैं खत्म कर रहा हूँ, आपके मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाला व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित व्यापारी है, हमारे पार्टी के जो MLC थे उनका इससे इतना है कि उनके, अरे ये रिपोर्ट है, कैसे कह सकते हैं, बहुत सारे आप रिपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी की, ये रिपोर्ट है, ये एडीआर की रिपोर्ट है, इसने सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से इसके कनेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी के जितने स्थानीय नेता हैं सब इससे चंदे लेते हैं, ये आपके मंच के माध्यम से कौन नहीं जानता, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा क्या कर दिया कि कोच बन गए, अगर आप उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में देखें तो 5 स्टार के होटल फेल है, जहाँ लोगों को रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, नहीं मनोज जी, मैं पीयूष पर ही पूछना चाह रही हूँ, वो तो अलग मसला है, देखिए ऐसे तो दोनों पार्टियों के लिए अलग अलग तरीके से देखा जाए तो वो अलग कहानी हो जाएगी, लेकिन अभी जो मामला है पीयूष को लेकर है, क्योंकि सीएम योगी ने नोटबंदी का जिक्र किया, पीयूष पर जवाब तो योगी आदित्यनाथ जी दे, इस देश की CMIE की ADR की तमाम जो वित्तीय संस्थाओं हैं उन संस्थाओं ने नोटबंदी के बाद जब देश बेकारी के हालात में और सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, फिर भी काले धन क्यों नहीं रुक रहे हैं, इसका जवाब योगी आदित्यनाथ जी को और जिस सरकार ने नोटबंदी किया उसको मनोज जी देखिए, तो अब आप जब कह ही रहे हैं तो इसी से